होएगा होएगा ब्रो। इन्फ्लुएंसर का मतलब इज इक्वल टू नंबर ऑफ फॉलोअर्स यू हैव। आप क्या इन्फ्लुएंस हो रहे हो उन लोगों से? हाउ टू पोज ना, इतना मेंटली अब्यूज हो गया होता है ना खुद से ही कि समझ ही नहीं आता अब आगे क्या करना है लाइफ में। डिप्रेशन से, बिकॉज ऑब्वियसली हम वी आर सो ट्रॉमेटाइज्ड, वी आर सो डिप्रेस्ड इन आवर 20s। हमारे जैसे नहीं कि 10 रुपए कमा रहे हैं और 12 रुपए उड़ा रहे हैं दो उधार लेके। द बॉयज गुस्से सेंड करवा रहे हैं। क्या चाहिए बताओ लाइफ में? पप्पी झप्पी क्या चाहिए? देखो बात जो भी है जैसा भी है, डोंट इन्वॉल्व योर मनी। आप बोलोगे खून पसीने का पैसा, मेरा 50,000 रुपया कहीं फंस गया है, मुझे एक प्रॉब्लम है सोरायसिस, इफ यू नो अबाउट दिस थिंग। और 2017 एंडिंग में मैंने सर मुंडवा दिया था, शेव कर दिया था पूरा हेड। आज मैं पहली बार आई एम स्पीकिंग अबाउट दिस थिंग। ये मेरे से नहीं होने वाला भाई, चलो होएगा होएगा ब्रो। तो गाइस शो का नाम है अनस्क्रिप्टेड पॉडचीत, मेरा अपना शो है, भाई का शो है और हम सबका शो है। लेकिन आज के पॉडकास्ट के लिए हमें कोई गेस्ट नहीं मिला, बट हमें कुछ ऐसा मिला जिनका नाम है मिला और उनके पास है एक काला मिला। तो गाइस स्टूडियो में आ चुकी है मिला, तालियां। और वैसे जॉडी, इट्स नॉट मिला, इट्स मायला। ओह एक्चुअली क्या है ना, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा MILA, तो देसी सारे को मिला साउंड करता है। 12th में इंग्लिश में कितने मार्क्स आए थे आपके? जी हाँ टाइट ही था इंग्लिश में। आई स्कोर्ड 92 out of 100। इतने तो मेरे सारे जोड़ के नहीं आए सारे सब्जेक्ट्स में। नहीं अच्छा। वोवल्स पड़े होते तो पता चलता कि प्रोनंसिएशन कैसे हो सकती है, आवाज कैसे निकलती है। आयुष मिला जो है मायला, मायला एक एक्ट्रेस है, मॉडल इन्हें बिल्कुल नहीं कहना आपने क्योंकि ये मॉडल नहीं है। इन्होंने कहा है कि मैं मॉडल नहीं हूँ, एक्ट्रेस है, थिएटर कर रही हूँ। और कल ही इनका प्ले था जो कि बहुत बाखूब इन्होंने जो किरदार था अपना उसमें निभाया। तो मैं चाहूंगा कि पहला जो सवाल है वो आप इन्हीं से पूछिए। मेरा ये जैसे इन्होंने अभी कहा कि आप एक्ट्रेस है, एक्टिंग कर रहे हैं, मॉडलिंग आप नहीं करते, तो क्या रीजन है उसके पीछे? मतलब रहता है ना कि लड़कियां जैसे एक्टिंग भी करती है साथ में मॉडलिंग का भी उनको फेवर में रहता है थोड़ा। सी आई वोंट से कि मैंने मॉडलिंग नहीं करी है। आपकी आपका व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर यू एज अ मॉडल का क्या डेफिनेशन है? वॉक रैंप वॉक्स वगैरह या फैशन का वो पहन के? एग्जैक्टली तो मैंने भी स्टार्ट वैसे ही किया था। इनफैक्ट आई स्टार्टेड इन 2017 में। तो मैंने वो भी छुप छुपा के, क्योंकि तब कल्चर नहीं था जम्मू में गाने आने का। सो जब मेरा गाना आया था ना माही आजा 17 में विथ 3 नेत्र प्रोडक्शंस, तो नए नए सिंगर रैपर्स थे तब जम्मू में, गाने नहीं बनते थे, भजन बनते थे थोड़े बहुत किसी किसी के, गाने नहीं बनते थे। एक प्रॉपर पंजाबी सॉन्ग वीडियो के साथ विद रोमांस विद ट्रेजडी, और मैं मर गया था उस गाने में, और बहुत अच्छा गाना वो चला था। एंड उसमें अगर आप बोलोगे ना, जैसे मैंने डायलॉग नहीं बोला वो मॉडलिंग हो सकती है। लाइक मैंने सारा डुग्गर देश किया, हैप्पी न्यू ईयर सॉन्ग किया, जिसमें आप बोलोगे कि ये लड़की है, इसका सिर्फ यूज़ किया गया है लाइक इन टर्म्स ऑफ फेस वैल्यू, ये सब है। हाँ बट आई डोंट कॉल माई सेल्फ अ मॉडल बिकॉज आई डोंट लुक लाइक अ मॉडल। मॉडल इज समथिंग एल्स। 36, 32, 36, 38 वैसा फिगर हो आपका, आप मॉडल बन सकते हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी विद नॉट बीइंग कॉल्ड एज अ मॉडल बट एन आर्टिस्ट, अ फुल टाइम आर्टिस्ट, एक्टर, आप जो भी बोलो। बट आपने कहा कि भाई रुक जाओ भाई, आपने कहा कि पहले स्कोप नहीं था ना, पहले कुछ बनता नहीं था, लेकिन आजकल जो मैं कह रहा हूँ कि काफी ज्यादा स्कोप बढ़ गया है, बहुत ज्यादा चीजें जो है इसको लेके वो आ रही हैं, एक्टर्स बहुत निकल के जा रहे हैं बाहर बॉलीवुड में काम करने, तो कितना बड़ा है पहले के मुकाबले? देखो ग्रोथ तो होती ही रहती है ना, यू आर नॉट द सेम पर्सन यू वर बैक देन, ऑब्वियसली 5-10 साल पहले, ग्रोथ तो होती ही रहती है। बट येस फिल्म पॉलिसीज बहुत चेंज हो गई है। लाइक बॉलीवुड जम्मू में आके काम करना चाहता है बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। पीपल डोंट नो कि यहाँ पे फिल्म पॉलिसीज ऐसी है कि आपको सब्सिडी जम्मू कश्मीर में ज्यादा मिलती है कंपेयर टू अदर स्टेट्स। यस बट अब कहीं ना कहीं लोगों को पता चलने लग गया और काफी लोग जो है बाहर से यहाँ पे आ रहे हैं सब्सिडीज के चक्कर में आ रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ तो प्रमोट करना पड़ेगा ना। वी हैव हेवन ऑन अर्थ जिसको कहा जाता है, वो हमारे शहर है, तो आप लोग नहीं बुलाओगे क्या उनको काम करने के लिए यहाँ पे? वी हैव द फाइनेस्ट एक्टर्स ओवर, लुक आपके, आपको लोकेशंस इतनी अच्छी मिल जाती है, आपको कैबिन में क्रू सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। सो कमी किस चीज़ की है? सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ की, कि यहाँ पे आके लोग काम नहीं करना चाहते हैं या यहाँ से बाहर नहीं जा पाते हैं। सी ऐसा नहीं है कि आई डोंट वॉन्ट टू गो टू मुंबई, बट मेरे लिए मुंबई प्लान करना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग बिकॉज बहुत चीज़ें आपको इनिशिएट करनी पड़ती है, क्रिएट करनी पड़ती है। आई डोंट बिलोंग टू दैट स्टेबल फैमिली कि चलो पापा मुझे मुंबई जाना है, चलो क्या सुबह उठी बैग पैक किया गया। एग्जैक्टली सो मुझे अपना देखना है कि अगर मुझे वहाँ पे काम वैसा नहीं मिलता, आई हैव टू थिंक ऑफ कि मुझे वहाँ पे रहना है, खाना है, पीना है, उठना है। और ये इंडस्ट्री ऐसी है ना, नो मैटर कहीं पर भी है, जम्मू में है, मुंबई में है, दिल्ली में है, कहीं पर भी है, यू हैव टू बी वेरी अप टू डेट।
ठीक है, आपको एक छोटा सा एग्जांपल, मजाक ही शायद आपको लगे कि लिटरली हम लड़कियां वैक्स भी पूरी आने नहीं देती अपनी, कि हमें फिर से करवानी पड़ती, कहती मैडम आने तो दो, उखाड़े क्या आपका। बिल्कुल, तो वो चीज़ है, लोग ये चीज़ नहीं समझते हैं। वो कहते आपके डेली पार्सल्स आते हैं, आई हैव टू सिट समवेयर इवेंट में, हम सब एक दूसरे को देख रहे हैं, इफ़ यू सी मी वेयरिंग द सेम टॉप एवरी टाइम एट द सेम इवेंट, आपको अच्छा लगेगा यार क्या है ये। सो लेयर लॉट ऑफ थिंग्स कि इस चीज़ को, बट हाँ जम्मू में आ रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये चीज़ें बहुत ग्रो कर रही है, वेब सीरीज शूट हो रही है यहाँ पे, फिल्म शूट होती रहती है यहाँ पे, ऑफ गुड प्लेटफॉर्म्स, आप नाम, आई डोंट वॉन्ट टू टेक द नेम ऑफ द प्लेटफॉर्म्स, बट बहुत, बट रोकूंगा मैं बीच में आपको, क्योंकि जम्मू के आर्टिस्ट की अगर मैं बात करूँ, चाहे क्रू हो, चाहे टेक्नीशियंस हो, है ना, लाइटमैन हो, कुछ भी हो, पहले भी वो अपनी जगह काम जो है वो चल रहा था हल्का फुल्का उनका, लेकिन अब जो है इतना बड़ा लेवल पे जो काम शुरू होगा, कितना हेल्पफुल लगता है आपको रहेगा? बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट जब जो मेरी टीम थी, जैसे मैंने फिल्म कर ली, वेब सीरीज कर ली, लाइट मैन, कैमरा टीम, सब जम्मू से ही है, हार्डली कोई साउंड दादा कहीं से होगा कहीं से होगा, बट सब जम्मू से ही है, एंड बहुत अच्छा लगता है कि हमारे जम्मू में इतनी ग्रोथ हो रही है अब, मतलब ये पहले भी हो सकती थी, नो मैटर, सी अभी हम यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं, किसी ने सोचा होगा 5 साल पहले कि भाई ऐसा कुछ होगा और हम लोग बैठ के यहाँ पे बात कर, लेकिन हाँ हमने भी सोचा यार कुछ अलग सा जो है बनाया जाए, एक दो वीडियोस बनाई, इनिशिएट किया ना, इनिशिएट करना, सोचना ही बहुत बड़ी बात है, कहते ना आप अचीवमेंट वहीं हो जाती है जब आप सोचते हो कि Let's start doing this thing. तो वहीं पे हो जाती है। ऐसे ही आपने भी सोचा होगा कि हाँ यार मैंने कुछ अलग सा परसू जो करना, तो एक आर्टिस्ट जो है उसको पैशन ही कह लो आप, है ना, फॉलो करना, पैशन को फॉलो करना कितना जरूरी है। आई थिंक इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। और कितना मतलब फैमिली सपोर्ट रहा आपका? जीरो। बट फिर भी कर रही है ब्रो, हमें तो सपोर्ट भी कर रहे हैं फिर भी हम कुछ नहीं कर रहे। लाइक मैं अपने आप को वो अच्छा नहीं, मुझे दिखाने का कोई शौक नहीं, आई एम अ वेरी फिल्टरलेस पर्सन, इफ़ यू नो मी यू नो मी, सो मैं नहीं, आई वॉन्ट से कि मुझे फैमिली का सपोर्ट मिला, एंड माय फैमिली मींस माय मदर एंड माय ब्रदर, आई डोंट काउंट रिलेशन रिलेटिव्स इन दैट फैमिली, आई डोंट, बट अभी भी लाइक मुझे पता है मेरी मदर बाहर बैठी हुई है अभी, वी वर सपोज टू गो समवेयर अटेंड सम थिंग्स, एंड उनका भी दिल हो रहा होगा कि पता नहीं क्या उल्टी कर रही होगी अंदर ये, क्या बोलेगी यार, क्या बोल रही है, सब थिंग क्या बोलेंगे। सो फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी आपने प्ले की बात करी, यस्टरडे वी वर हैविंग बॉल थिएटर डे, एंड लिटरली वन फैमिली केम टू मी कि उनकी बेटी थी साथ में, एंड दे केम टू मी कि बहुत अच्छा ही लगा, ये कह रही है मुझे भी करना है, मुझे भी ये करना है। सो जब पेरेंट्स टॉक लाइक दिस ना, सो मुझे इतना अच्छा लगता है कि वो बच्चा कितना ब्लेस्ड है कि उसके पेरेंट्स ऐसे बात कर रहे हैं कि लिटरली शी इज़ वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय यू, एंड शी इज़ लाइक कि मुझे भी ऐसे स्टेज पे जाना है, इनकी तरह बोलना है वैसे करके। तो हमारे पेरेंट्स, माय मदर इज स्टिल नॉट इन फेवर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, हालांकि मी एंड माय ब्रदर वी बोथ वेंट इनटू वेरी डिफरेंट डायरेक्शंस फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स या अंदर रिलेटिव्स जो हमसे कंपेयर किया जाता था, जिनको सब बहुत ही मतलब नॉर्मल जो करते हैं ऑर्डिनरी लाइफ, मी एंड माय ब्रदर ओनली वी वेंट इनटू डिफरेंट जोन, डिफरेंट लाइंस। और सही है, सही, आजकल मेरे को लगता है पैशन फॉलो कुछ ज्यादा मतलब निकले हैं बच्चे जो अपना पैशन फॉलो करने, वरना हमेशा वही होता था कि जो पेरेंट्स बोल रहे हैं वही करते जाओ। तो देखो मैं नहीं, आई वोंट से कि पेरेंट्स कुछ गलत बोलते हैं आपको करने के लिए, वो आपकी वेलबीइंग के लिए एक सेफ साइड स्टेबल लाइफ, क्योंकि जो चीज उन्होंने देखी नहीं है वो उनको समझ नहीं आएगी। प्रॉब्लम इज कि जब वो समझना भी नहीं चाहते हैं, और एक्चुअली समझाना भी काफी मुश्किल है मेरे को लगता है किसी हद तक। आई एम अ वेरी गुड स्पीकर, मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ, लेकिन अगर सामने वाला फिर भी ना समझे तो वो प्रॉब्लम उनकी जनरेशन की है फिर। काफी सीरियस बातें चल रही हैं मेरे को लगता है, तो कहीं ना कहीं अब ना मैं थोड़ा शहर की तरफ आऊंगा, जम्मू शहर में ना एक आजकल नई टर्म काफी हाइप्ड अप हो चुकी है, इन्फ्लुएंसर है। ओह माय गॉड, तो आपको क्या लगता है, काफी मतलब फॉलोअर्स वगैरह, तो आप खुद को एज अ इन्फ्लुएंसर? नेवर, डोंट स्पीक टू मी लाइक दैट। ओके, इन्फ्लुएंस, आप मुझसे क्या इन्फ्लुएंस हो रहे हो? नहीं, मेरे को इन्होंने बाल ऐसे रखे हैं? नहीं। वही मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे होता है ना कि जिनके 1K 4K के ऊपर हो जाते हैं तो खुद को एज अ इन्फ्लुएंसर कंसीडर कर लेते हैं, तो मतलब आपका उस पे क्या? Somebody told me अभी backstage only कि influencer का मतलब is equal to number of followers you have. So अब आप मुझे बताओ, the person having 100K followers, आप उसे क्या influence हो रहे हो? Influence होना मतलब inspired होना, ठीक है? आप चलो bad way में भी influence हो सकते हो, आप बहुत एक cringe content भी देखते हो आप online, you know, different platforms पे, आप क्या influence हो रहे हो उन लोगों से?
हाउ टू पोस्ट डिपेंड करता है एग्जैक्टली कि हाँ रील्स भी लोग बना रहे हैं ना आजकल, रील्स का काफी एक चलन जो है चल चुका है। नहीं चलता है, लोग गाड़ियों के आगे नाच रहे होते हैं क्या करना है, लाइटें ऑन ऑफ करके, ये इसको आप कंटेंट बोलते हो क्या? मैं नहीं बोला मैं बनाता हूँ, आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ थिंग कि सी आई वॉन्ट से कि मेरे पास आइडियाज़ नहीं है, बट आई एम अ वेरी, आप बोलोगे मैंने इतना वेट किया है ना चीज़ों का, लाइक आई हैव लिटरली डाइड फॉर थिंग लाइट्स कैमरा एक्शन, बट अब जब आई एम लिविंग दैट लाइफ ना आई एम स्टिल नॉट सैटिस्फाइड, अतृप्त आत्मा पता है, अनसैटिस्फाइड सोल, आई एम स्टिल दैट पर्सन। बट क्यों ऐसे क्यों नहीं है, मतलब जब चाहिए था तब मिला नहीं, अब मिल रहा है तो कुछ मजा नहीं, तब मिला क्या चाहते हो मतलब? I don't know. I'm still in search. अभी भी ढूंढ रहे हो? हाँ, कभी आप मुझसे बैठ के बात करोगे ना आपको बहुत लगेगा कि बैठे तो हैं आज ही करो। सब तो बैठते ही बहुत कम हैं। I'm still very unsatisfied. So I still don't know where I'm going. मुझे क्या परस्यू करना है, क्या करना है? इसमें कुछ तो होगा कि हाँ। नहीं नहीं कुछ भी नहीं है। I think my soul is like way too old now. बस मतलब एक साथ चलते जा रहे हो जो हो रहा है। I'm just like earning my bread butter. That's it. ऑल्टरनेटिवली जो है तुम पैशन भी तो फॉलो कर ही रही हो अपना, मे भी दूसरों को लगता हो, कहते हैं ना दूसरे की थाली में पानी भी घी लगता है। वैसा तो वो तो ठीक है। हाँ, तो वैसा ही है और कुछ नहीं है कुछ खास। और कहीं ना कहीं मेरे को लगता है आर्टिस्ट की जो मेंटल हेल्थ रहती है उसको सही रहना काफी जरूरी है, और वही वही कहीं ना कहीं मेरे को FUC की हो गई होती है। बोल सकता हूँ वैसा अनस्क्रिप्टेड है, चलेगा। नहीं नहीं वो ही हो गई होती है क्योंकि आर्टिस्ट इतना जरा ट्रॉमेटाइज हो गया होता है ना, आई वुडन्ट से आर्टिस्ट बट आज की डेट में हर इंसान है, तो इतना वो ट्रॉमेटाइज इतना हो गया होता है ना, इतना मेंटली अब्यूज हो गया होता है ना खुद से ही कि समझ ही नहीं आता अब आगे क्या करना है लाइफ में। बट कहीं ना कहीं हैप्पीली डिप्रेस जो है हम बाहर से बहुत खुश लग रहे हैं वो तो सब लग रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना बाल सफेद हो रहे हैं। हाँ वो तो है, मैं बाल तो पहले ही सफेद हो चुके हैं। वो किससे हो रहे हैं? डिप्रेशन से। बिकॉज ऑब्वियसली हम वी आर सो ट्रॉमेटाइज्ड, वी आर सो डिप्रेस्ड इन आवर 20s कि लिटरली जो लोग 50s 60s में हुआ करते थे उस टाइम पीरियड में कि अब हम क्या करेंगे, वी आर एंटरिंग इनटू अ न्यू फेज ऑफ अवर लाइफ, अब हम क्या करेंगे, हम वो डिप्रेशन अभी से लेके बैठे हैं। एंड द सैड पार्ट द वर्स्ट पार्ट इज कि हमारे पेरेंट्स इस चीज़ को नहीं समझते दैट लिटरली हम डिप्रेस्ड है चीज़ों को लेके, जस्ट बिकॉज वी लाफ सो मच, जस्ट बिकॉज कि वी अटेंड इवेंट्स, वी गो आउट, वी ड्रिंक, वी ईट, वी आर अर्निंग, डजंट मीन वी आर हैप्पी। एग्जैक्टली वो तो बाउंडेड है ना, हमने करना ही, अब कोई बुला रहा है सोचते कि कोई नहीं, तुम ज्यादा सोच रहे हो उस वजह से ऐसा हो रहा है, सोचना बंद। मेरे लिए द सैड पार्ट इज कि आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई सेल्फ emotionally in front of anybody. मेरे को लग रहा है ये इंटरव्यू बड़ा इमोशनल सा हो गया, मैं तो सोच रहा बकचोदी करने आया और ये तो काफी हो गया यार, बट सही है कहीं ना कहीं ठीक है। हां अच्छा, लोगों को लगना पता चलना चाहिए कि बाहर से जो दिखता है हमेशा वैसा नहीं है, अदर साइड भी है कॉइन का एक। इसको भाई यही रख दियो टाइटल, द अदर साइड ऑफ एन आर्टिस्ट। अच्छा और क्या-क्या करना अच्छा लगता है? आई लव टू डांस। डांस इज द ओनली थिंग दैट मेक्स मी हैप्पी, दैट मेक्स माय सोल गो ओ अराउंड। अपने म्यूजिक वीडियोस में काम किया है या वेब सीरीज एंड? नहीं नहीं बिल्कुल किया। आई थिंक हर आर्टिस्ट जो फीमेल आर्टिस्ट है ना, आई थिंक वो स्टार्ट म्यूजिक वीडियोस से ही करते हैं, बहुत रेयर होते हैं या बहुत लकी आप समझोगे उनको जिनको पहले ही पहली फिल्म उनको मिल जाती है, वो बहुत प्लान्ड होता है, जिनको पता होता है दैट वी आर अबाउट टू डू अ फिल्म एंड इट्स प्लान्ड, वी डोंट वॉन्ट टू लॉन्च आवर सेल्स इन सम शिट काइंड ऑफ वीडियोस। तो जब शहर के जो ब्रांड्स हैं वो अप्रोच करते हैं कि भाई हाँ मिला महिला हमारे साथ शूट्स करो, देखो तो कैसा रिस्पांस रहता है? क्योंकि यूजुअली आई डोंट डू दैट बिकॉज मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता है वो चीज़ करना, एंड बट स्टिल आई वाज एसोसिएटेड विद दिस ब्रांड, नॉट यू नो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं, इट वॉज जस्ट वर्बली, लाइक आई वॉज देयर एज अ लॉयल्टी, बट मेरा सच्ची में एक चीज़ आई वॉन्ट टू स्पीक, आई वॉन्ट टू टेल पीपल ऑफ एनी वेयर हु इज़ लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट, हु इज़ वॉचिंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट, कि देखो बात जो भी है जैसा भी है, डोंट इन्वॉल्व योर मनी इन दैट, because it's hard for an artist no to earn. See hum jo freelancers hote hain na, we are freelancers, we are not associated with anyone, hum freelancers hai, so we are earning literally standing. Bilkul bilkul, like main anchor, aaj main pehli baar I'm speaking about this thing on any podcast, main anchoring bhi karta hu literally, aur mera bahut acha khasa kaam hai anchoring ka, sahi,
एंड अगर आप समझ रहे हो स्टैंडिंग ऑन हील्स फॉर होल डे चेंजिंग एंड ऑल, अभी पीछे मेरा बर्थडे भी था एंड आई वॉज लिटरली डूइंग एंकरिंग फॉर रेगुलर 3 days, वो भी एक अच्छी खासी लोकेशन पे फ्रॉम जम्मू टू ऑरम ग्रैंड, रोज आना जाना अप डाउन करना और स्टैंडिंग देयर चेंजिंग एंड ऑल, कहीं बैठना नहीं कुछ नहीं, जो दिन में टाइम मिल गया 2 घंटे का रात की स्क्रिप्ट लिखना एंड आई एम अर्निंग फ्रॉम दैट थिंग, आप समझ रहे हो? और जब आप वो अर्निंग किसी को भरोसा करके देते हो ना, प्लीज डोंट. लिटरली मॉडल्स आपको अगर फ़ोन आएंगे कि ये पेमेंट कर दो प्लीज़, आपको मिल जाएगी, वो पेमेंट कर दो, आप जब किसी पे इन्वेस्ट कर रहे हो ना, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मनी, देखो इमोशंस आई डोंट काउंट दैट बिकॉज लिटरली अब मैं आई एम अ वेरी हार्टलेस पर्सन नाउ. आप इमोशंस किसी पे वेस्ट कर रहे हो दैट्स योर पर्सनल मैटर, बट प्लीज़ डोंट इन्वेस्ट योर मनी. लिटरली मेरे साथ अभी पीछे ऐसा एक बहुत गंदा इंसिडेंट हुआ, गंदा वाला इंसिडेंट हुआ, थोड़ा हो गया इनके साथ बहुत गंदा, लेकिन थैंक गॉड दैट वॉज माई लिटरली, आप बोलोगे खून पसीने का पैसा, खून पसीने का पैसा मेरा वो था, तो शायद ऊपर वाली की ऐसी रहमत थी कि वो वापस आ गया मेरे पास. जब आपको कोई ये बोले कि आपको डूबा हुआ पैसा बाहर निकालना है, आप समझ रहे हो वो कितना ट्रॉमेटाइजिंग होगा एक इन्फ्लुएंसर के लिए कि मेरा 50,000 रुपया कहीं फंस गया है एंड आई एम नॉट गेटिंग इट बैक एंड पीपल आर टेलिंग यू. सो प्लीज़ आप कहीं पर इन्वेस्ट करोगे ना, किसी को आप पैसा दोगे, तो प्लीज़ उस बंदे का बैकग्राउंड चेक करवा लो आप कि उस बंदे का एक सोशल स्टेटस क्या है, एक फाइनेंशियल स्टेटस क्या है मार्केट में. बिल्कुल, इन्फ्लुएंसर्स के लिए और जितने भी मॉडल्स जो हैं जो फील्ड में काम कर रही हैं उनके लिए ये एक मैसेज है, क्योंकि लड़कियों को ही पागल बनाया जाता है कि यू नो प्लीज प्लीज ऐसे कर दो, क्योंकि उनको पता है कि गर्ल्स आर लाइक सेविंग, सी नहीं सेव भी करती हैं, अगर 10 रुपए कमा रही हैं तो 6 रुपए बचा रही हैं, 4 रुपए खर्चा रही है, वो चीज है. और हमारे जैसे नहीं कि 10 रुपए कमा रहे हैं और 12 रुपए उड़ा रहे हैं दो उधार लेके. द बॉयज. अच्छा दूसरी बात मैं ये जानूंगा तुमसे कि कहाँ देख रही हो आने वाले समय में, आने वाले 4-5 साल जो हैं, मीला अपने आप, माइला अपने आप को कहाँ देखती है? अ फुल फ्लेज फैमिली में, 2 बच्चे हो अच्छे. कोई लड़का ढूंढा हुआ अभी तक? है कोई? नहीं, मेरे को लगा आप देखा होगा आपने. यार ऐसा क्यों लगता है? मेरे को लग रहा है ये क्या बर्बाद इंसान हूं मैं. नहीं नहीं, जैसे आपने कहा ना कि आप खुद को देख रहे हैं एज ए फैमिली, मेरे को लगा शायद लड़का आपने ढूंढ के रखा हो. नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लड़की भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है. ओह सही है सही है सही है, ये डालना भाई. एवरीथिंग वर्क्स टू वे, यू आर स्ट्रेट अंटिल यू आर वेट. सही. अच्छा बताओ फिर, हाउ यू लुकिंग फॉरवर्ड टू, लाइक कहां देख रही हो, सोचा कि यार इसमें जो है करियर अब जो बनाना है फाइनली? अर्निंग इन 5 to 6 figures, हैविंग अ बैंक बैलेंस 5 to 6 figures. यू नो लेकिन मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है बनाना? नहीं मुश्किल तो कुछ भी नहीं है. क्या है मुश्किल आज की डेट में? कुछ भी नहीं. जीना, काम करना, मरना तो आसान है. काम करना मुश्किल है? नहीं नहीं, काम करना मुश्किल नहीं है अगर आपकी चाह हो तो, लेकिन वही है कि इट्स नॉट इजी टू गेट अप एवरी सिंगल डे एंड गो टू द वर्क फॉर अ डिप्रेस्ड पर्सन. सुबह उठ के निकलना बहुत मुश्किल बात है. तो उस समय आती है मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, एंड जब ये दोनों ही बिगड़ जाए तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी बर्बाद हो जाती है. तीनों को मेंटेन करके वो तो रखना ही पड़ता है. आई नो बिकॉज मुझे एक प्रॉब्लम है सोरायसिस, इफ यू नो अबाउट दिस थिंग. सोरायसिस इज अ डिजीज, आपकी स्किन पे वो होता है, देर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सोरायसिस, किसी को स्कैल्प होता है, किसी को बॉडी पे होता है. आई हैव स्कैल्प सोरायसिस, वेरी लेस पीपल नो दिस अबाउट दिस थिंग. सो इसमें आपकी जो स्किन है ना वो उतरती रहती है, फ्लेकी हो जाती है एंड ब्लीड होता है आपको. सो इस चीज़ के लिए भी मैंने 2017 एंडिंग में मैंने सर मुंडवा दिया था, शेव कर दिया था पूरा हेड. ओके 17 में, लाइक इट्स बिन 5 years नाउ. सो ये मेरे अपने ही बाल है, ठीक है प्लीज. ठीक है, जॉर्जी की तरह नहीं है, ठीक है, मेरे अब तो मेरे अपने ही है, मैं ख्याल रखता हूं अपने ही है. मैंने कहा जॉर्डी की तरह नहीं है, मैंने कहा जॉर्डी के नहीं है, ठीक है. तो सोरायसिस है, लेकिन ये एक इनक्योरेबल है, ये क्योरेबल बीमारी नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है. You can just control it by medicines, not by medicines also, but by giving yourself a less stress, a good health. ठंडा खाओ, गर्म चीज़ें मत खाओ, वो चीज़ें मतलब मुझे इसका भी बहुत डिप्रेशन पिछले 8 सालों से रहा है, ऑनेस्टली मैं बोलूँ, क्योंकि इट इज़ अ वेरी बिग थिंग अगर आपके चेहरे पे भी वो आना स्टार्ट हो गया. लाइक आई नो कि वो यहाँ तक पहुँच गया है, यू नेवर नो कि वो कहाँ पे आएगा.
सी आई डोंट हैव स्किन वाला ना, सो वेयर एवर इट्स हेयर इट इज गोइंग टू कम देयर. आईब्रोज, योर लैशेज, योर इंटीमेट पार्ट्स, वेयर एवर, जहाँ पे भी आपको बाल है वहाँ पे वो आएगा. सो मुझे उस चीज़ का बहुत एक डिप्रेशन था. सो यू अंडरस्टैंड फॉर अ 20 ईयर ओल्ड गर्ल अपना सर मुंडवा देना, जो साल लड़की के यू नो ग्लोइंग ग्रोइंग ईयर्स होते हैं उस टाइम पे अपना सर मुंडवा देना, वो एक बहुत बड़ा लाइफ का चैलेंज था. और लिटरली आई वॉज बॉसिंग अप अराउंड विद, मुझे तो था कि मैं टैटू करवाऊँ यहाँ पे, बट घर वालों ने बात करना बंद कर दिया कि इतनी बड़ी लड़की इतने लंबे बाल सर मुंडवा के आ गई, ये हो गई वो गई. बट आई नो वॉट आई वॉज गोइंग थ्रू, वॉट आई एम स्टिल गोइंग थ्रू. आई नो एग्जैक्टली, यू नो समवेयर आप कहीं बैठे हो एंड आई नो कि मुझे यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, आई एम स्क्रैचिंग इट, एंड आप इतना खो जाओगे ना उस चीज़ में पता ही नहीं चलेगा. एंड लोगों को पता नहीं है, प्रॉब्लम इज कि पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ थिंग्स. सो आप जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बाल ऐसे बंद किए हैं, सो मुझे वो चीज़ यहाँ से दिख रही है कि वाइट पैचेज हो गए हैं, सो यू विल बी लाइक यू व्हाट इज दिस, यू नो अनटचेबल हो जाते हैं काफ़ी उस चीज़ को लेके. तो वो चीज़ों को वो नहीं पता है. सो वी नो वट वी आर गोइंग थ्रू. लोग देखते हैं कि ओ माई गॉड, तो मिल मिला के कहीं ना कहीं कलर किया है. काफी डिप्रेस जिंदगियां जो है हमारे जैसे आर्टिस्ट जो लगा था, आपको इतनी होगी मेरे को ना बड़ा हैपनिंग होगा बड़ा. हम तो नहीं नहीं, नॉट अबाउट द पास्ट कार्ड बट लाइफ. एग्जैक्टली कि बड़े यार ये तो चिल है, ये तो बहुत चिल है. सही, कैसा लगा? तो बाहर से नहीं दिखता ऐसे किसी पर्सन को देख के, सब बट दिखाना भी नहीं चाहिए ना, क्यों दिखाना है? बट ठीक है, कभी कभी बोल देना चाहिए क्योंकि लोगों को ना बहुत कुछ लगता है कि यार इनके लिए तो चिल है, है क्या है लाइफ में, मजे कर रहे हैं. सोशल मीडिया पे लोग हाँ भाई कितने मजे कर रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं, इन्फ्लुएंसर आए हैं तो नहीं मैं ऐसे कह रहा हूँ, लोग बोलते हैं मैं थोड़ी. हमारे बीच में सिर्फ एक ही इन्फ्लुएंसर बैठा है विच इज जॉर्डी. नहीं नहीं मैं तो कहीं स्टैंड ही नहीं करता जी. जॉर्डी तो मजा आया आपको पॉडकास्ट करने का. ऑफ कोर्स बहुत मजा आया, खुल के बोलने का. कहीं ना कहीं कट कुछ नहीं होगा इसमें? नहीं नहीं बिल्कुल ना हो कट. नहीं होगा, बोल दिया. हां तो पहले तभी तो अनस्क्रिप्टेड किया है. नहीं इट्स वेरी नाइस, अनस्क्रिप्टेड अच्छा कंटेंट निकलता है, डोंट यू थिंक सो? हां मेरे लिए तो सारी, मैं तो सोच रहा हूं लाइफ भी जो है कहीं ना कहीं अनस्क्रिप्टेड ही है. चलो यार बस, चलो बोर हो गए, चलो छोड़ो, लेट हो रहा है, आई हैव टू गो समवेयर. ओके चलो करवाओ कट, बोल भाई यार. तो करो आज का प्रोग्राम माइला जी के साथ, अगर आपको अच्छा लगा. माइला जी के साथ? माइला जी क्या हुआ ब्रो? महिला जी बोल दो इससे अच्छा. यार एक तो ये ना आते मुझे कॉल करती, हेलो माय लव, हेलो माय लव, बट आई लाइक इट व्हेन दोस पीपल वो उस नाम से ना बुलाएं, मुझे थोड़ा अजीब लगता है. लाइक सौरभ, he calls me like hello my love, तो बड़ा अच्छा लगता है. खुश, अगर कोई if someone is making you happy तो it's your duty to. छोटी छोटी खुशियाँ. बिल्कुल बिल्कुल. तो फिर आज का प्रोग्राम इसी के साथ खत्म करते हैं. देखो इनकी टी-शर्ट पे भी M लिखा है. गुस्से में कर रहा है खत्म. मिकी माउस की कैप पे भी M ही लिखा है. आपको पता था मैं आ जा रहा हूँ? गुस्सा हो गए? नहीं यार गुस्सा, गुस्से सेंड करवा रहा है. क्यों नहीं होगा, कहाँ लग रहा है? क्या चाहिए बताओ लाइफ में, पप्पी झप्पी क्या चाहिए? अरे मैंने बोला ही नहीं तुझे, कहाँ हो गया? कह रहा मैं तो तेरी लेनी है पप्पी. ये मैं कट कर दूंगा, करवाओ. ये कट नहीं होगा भाई, कट नहीं होगा, कट कुछ नहीं होगा. तो आज का हम प्रोग्राम यहीं पे खत्म करते हैं, वरना ये बोलना मेरे को नहीं लग रहा शांत होने वाले ये दोनों. तो नेक्स्ट वीक वापस जॉर्डी भाई किसी ऐसे ही मजेदार गेस्ट को लेके आएंगे. हाँ किसी ने फोन उठाया तो यूजली लोग फोन नहीं उठाते. तब तक के लिए पीस आउट बाय, काटो.